2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, है ना, फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन 2, थर्ड पार्ट है आपका x, फोर्थ पार्ट है इसका x प्लस 5 और फिफ्थ पार्ट है 5 प्लस 2x। देखो क्वेश्चन क्या बोला जाता है हमसे कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, कब, जब हम इसके अंदर, है ना, डिवाइड लगाते हैं किसका, x प्लस 1 का, x माइनस 1 अपॉन 2 का, x का और x प्लस पाई का और 5 प्लस 2x का। देखो हम एक एक करके इसके पार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम किसका डिवाइड लगाना चाहते हैं इसमें, x प्लस 1 का, है ना। जब हम इसमें x प्लस 1 का डिवाइड लगा रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, रिमाइंडर। तो देखो हमने रिमाइंडर फाइंड करने का सबसे शॉर्टकट तरीका सीखा था कि हम जिसका डिवाइड लगा रहे हैं उसके क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले जीरोस निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि हम जीरोस निकाल रहे हैं किसके, x प्लस 1 के। जीरोस कैसे निकालते थे, इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते थे, जीरो के इक्वल रख देते थे। तो x क्यूब कितने के पास, माइनस 1 आ गई, ठीक है ना। अब आपका जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसको मैं पी एक्स से नोट कर लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की जगह क्या रख देते हैं यहाँ पर, माइनस 1 रख देते हैं। बात क्लियर हो रही है, चलें फिर आगे। अब देखो इधर, जब मैं x की जगह माइनस 1 रखूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 का होल क्यूब, 3 आपका एज इट इज, माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 आपका एज इट इज, माइनस 1 और ये प्लस का 1, ठीक है ना। जब मैं किसी नेगेटिव का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, है ना, 3 आपका एज इट इज। जब मैं किसी नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना, और ये प्लस का 3, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, देखो इधर माइनस का 1 एज इट इज, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 3 और ये प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल। तो देखो रिमाइंडर जो है आपका वो कितना आ गया, आपका 0 आ गया, कितना आ गया आपका, 0 रिमाइंडर हो गया, है ना, पहले वाले केसेस में। अभी क्या बोल रहा है कि जब हम इसके अंदर x माइनस 1 अपॉन 2 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है ना, तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब देखो इधर, अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। अब हम किसका डिवाइड लगा रहे हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 का, तो हम इसके पहले जीरोस निकाल लेते हैं। देखो इधर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वही जीरोस निकाल रहे हैं ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 के, ठीक है। जीरोस कैसे निकालते थे, x माइनस 1 अपॉन 2 इस पूरे को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल। तो x के लिए कितनी रहेगी पास, 1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब वही पॉलिनोमियल में रख दो उठा के, देखो पॉलिनोमियल क्या रखा है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बात क्लियर है, चलें फिर आगे। देखो इधर, अब मुझे x की जगह पर क्या रखना है, 1 अपॉन 2 रखना है, रख दो उठा के x की जगह 1 अपॉन 2, ठीक है ना, 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल क्यूब प्लस 3 आपका एज इट इज, 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, 3 आपका एज इट इज, 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना। देखो इधर, 1 का क्यूब कितना हो गया, 1, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 3 आपका एज इट इज, ठीक है ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया, 4, ठीक है ना, 3 आपका एज इट इज, 1 अपॉन 2 आपका एज इट इज प्लस 1। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, क्यूब और स्क्वायर कर लिए, अब हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 8 ये कितना हो गया, 3 अपॉन 4 ये कितना हो गया आपका, 3 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम लेते हैं, जब आप इन सबके एलसीएम लोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा पास, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पास, 8 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो इधर, जब आपका एलसीएम 8 आ गया, 8 का 8 में डिवाइड लगाएंगे कितना आ गया, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 1, 4 का इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 6, 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 12, 1 का इसमें डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम्स आएगा, 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, तो कितना हो गया, 12 और 8 20, 26 है ना, 27, ठीक है ना, तो कितना आ गया, 27 अपॉन 8, तो इसका जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, वो कितना आ गया आपका, 27 अपॉन 8 आ गया। अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, ये बोल रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x का डिवाइड लगाते हैं
है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा देखो इधर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस x के जीरोस निकाल लेंगे। बात क्लियर हो रही है? देखो इधर, किसकी बात कर रहा था ये, x की, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले, किसके, x के। अब जीरोस कैसे निकालते थे, इस वैल्यू को है ना, इस x को किसके को लिख देंगे, जीरो के। तो x क्यू कितने के पास, जीरो आ गई, ठीक है ना। अब आपका पॉलीनोमियल क्या रखा था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब आप क्या कर दो, x की जगह जीरो रख दो। तो x की जगह आपने जीरो रखा, तो ये कितना हो गया, जीरो का होल क्यूब। थ्री आपका एज इट इज, जीरो का होल स्क्वायर, थ्री आपका एज इट इज, जीरो प्लस वन। अब देखो ये कितना हो गया, जीरो, ठीक है। जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना हो गया, जीरो, ठीक है ना। जीरो किसी से मल्टीप्लाई करा, जीरो, और ये प्लस वन, ठीक है ना। तो इसका जो रिमाइंडर है आपका, ठीक है ना, वो कितना आ गया आपका, प्लस वन आ गया। अब हम इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस पाई दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वही जीरोस निकालेंगे, ठीक है। देखो इधर, अब इसी का फोर्थ पार्ट क्या कर रहे हैं, हम वही जीरोस निकाल लेते हैं, किसके, एक्स प्लस पाई के, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जीरोस, इस एक्स प्लस पाई को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। अब मुझे वही एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस पाई को उठा के इधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास, माइनस का पाई आ जाएगा। अब देखो पॉलीनोमियल क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले पॉलीनोमियल की बात करो, पी एक्स इज इक्वल टू कितना रखा था, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब आप क्या कर दो, एक्स की जगह पर कितना रख दो, माइनस का पाई रख दो, ठीक है ना। जैसे ही आप एक्स की जगह माइनस पाई रख दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा, माइनस का पाई इस पूरे का होल क्यूब। थ्री आपका एज इट इज, माइनस पाई इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। थ्री आपका एज इट इज, माइनस का पाई और प्लस वन, ठीक है। देखो इधर, जब आप किसी नेगेटिव का क्यूब करोगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और पाई का क्यूब कितना हो गया, पाई का होल क्यूब, ठीक है ना। थ्री आपका एज इट इज, जब आप किसी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे, है ना, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और पाई का स्क्वायर कितना हो गया, पाई स्क्वायर। थ्री आपका एज इट इज, माइनस का पाई एज इट इज, और प्लस का वन एज इट इज। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हो गया, माइनस का पाई क्यूब, है ना। ये प्लस का, ये भी प्लस का है, प्लस का थ्री पाई स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का थ्री पाई और प्लस वन। ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। ये क्या हो गया आपके लिए, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। अब हम इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपका, कि फाइव प्लस टू एक्स, क्या दे रखा है, फाइव प्लस टू एक्स, ठीक है ना। देखो यार, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके वही जीरोस निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जीरोस निकाल रहे हैं ऑफ फाइव प्लस टू एक्स। अब जीरोस कैसे निकालते थे, फाइव प्लस टू एक्स इसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वही एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको उठा के इधर ले जाता हूं, तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का फाइव अपॉन टू आ गई, ठीक है ना। अब देखो पॉलीनोमियल क्या दे रखा है आपका, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये आपका पॉलीनोमियल दे रखा है। अब आप क्या कर दो, एक्स की जगह पर माइनस का पाई रख दो, माइनस का फाइव अपॉन टू रख देंगे, ठीक है। माइनस का फाइव अपॉन टू इस पूरे का होल क्यूब। थ्री आपका एज इट इज, माइनस का फाइव अपॉन टू इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। थ्री आपका एज इट इज, माइनस का फाइव अपॉन टू और प्लस का वन, ठीक है ना। अब देखो इधर, अगर हम इसका क्यूब करते हैं, तो नेगेटिव का क्यूब किसका कैसे आएगा, माइनस का ही आएगा। फाइव का क्यूब कितना हो गया, 125, और टू का क्यूब कितना हो गया, 8, ठीक है। प्लस का थ्री आपका एज इट इज, है ना। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव। फाइव का स्क्वायर कितना हो गया, 25 अपॉन 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 अपॉन 2 और प्लस 1, ठीक है। बात क्लियर है? अब देखो कितना हो गया, माइनस का 125 अपॉन 8, ठीक है ना, प्लस 75 अपॉन 4 माइनस का 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम लेते हैं। देखो जब आप इनका एलसीएम लोगे, ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, ठीक है ना। 8 का 8 में डिवाइड लगाया, 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 125। 4 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, कितने टाइम्स आएगा, 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, 2 का इसमें डिवाइड लगाया, 4, है ना। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? प्लस
वन का इसमें डिवाइड लगाया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। अब देखो इधर माइनस के नंबर को ऐड कर लो, माइनस के कौन कौन से, ये रहा माइनस का और ये रहा माइनस का, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 125 और 60, ये कितना हो गया आपका माइनस का 185 हो गया, ठीक है। 150 प्लस 8, ये किसका हो गया प्लस का 158, ठीक है ना, अपॉन 8, बात क्लियर है। अब देखो यार एक माइनस का है एक प्लस का है, आपस में वही कैंसिल होंगे, 15 में से 8 गया, कितना बच गया 7, है ना। यहां पर रह गया आपका 7 में से 5 गया, कितना बच गया आपके पास 2, माइनस का 27 अपॉन 8, ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया आपका रिमाइंडर।